मारीना संदेश लाइव। मारीना संदेश लाइव जिला संवाददाता प्रतापगढ़। मैं इस समय मौजूद हूँ सराय शंकर ग्राम सभा में, विकास खंड मंगरौरा। देखिए ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में कौन सा विकास कार्य हुआ है और कौन सा नहीं विकास कार्य हुआ है, आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है जी। पूर्व अध्यक्ष जी, ग्राम सभा अध्यक्ष रीना सिंह के प्रतिनिधि के रूप में मैं काम किया हूँ जी। 17 महीने काम किया जी, जिस दौरान हमारी ग्राम सभा में कुछ विकास हो सका जी। उसके बाद 25/1/2018 में पूर्व प्रधान श्री जीतलाल द्वारा बहाली का आदेश आया जी। वो बहाल हुए, उनके द्वारा जो है हमारी ग्राम सभा में कोई विकास नहीं किया गया जी। 12,32,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया जी। हमारे उनके खिलाफ ग्राम विकास आयुक्त की जांच चल रही थी जी, जीतलाल जी के जी। उन्होंने उस जांच के दौरान 12,32,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया जी, जो कि नियम विरुद्ध था जी। 12,32,000 रुपए ट्रांसफर इस ढंग से किया गया, फर्म किसी और का नाम डाला गया जी और पैसा कहीं और खाते में डाला गया जी। और उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, उस पैसे से पहली बात कोई कार्य नहीं किया गया, ना तो किसी ग्राम सभा के लाभ मिला उसको। पर्सनल व्यक्ति पे 4-5 लाख रुपए भेज किया गया, एक आदमी का केवल सड़क बनाए हैं, वो भी ग्राम सभा से कोई टच नहीं है, केवल पर्सनल आदमी का रास्ता बना के 5 लाख रुपए उस पर भेज कर दिए। इसी तरीके से उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया नहीं, जैसे क्या कहते हैं कि जब जांच चल रही थी जी, उसी समय क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन किया गया, सारे पैसे 3-4 बार में करके 12,32,000 रुपए ट्रांजेक्शन किए गए हैं। अब फर्म लगाया गया है माधुगा ट्रेडर्स का, अब पैसा खाता में गया है आकाश ट्रेडर्स का जी। अच्छा, 7 लाख रुपए माधुगा ट्रेडर्स का दिखा के जी, और 5-7 लाख रुपए आकाश ट्रेडर्स में ट्रांसफर किया गया जी। फर्म किसी और की लगी और पैसा किसी और अकाउंट में गया जी। वही उस ढंग से पैसे का दुरुपयोग किया गया, और उसी दौरान चल रहे जांच के दौरान हमारे ग्राम विकास अधिकारी चंद्रमोहन जी उसी जांच में सस्पेंड हुए, और उस सस्पेंशन के आदेश के बाद प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आज तक, और प्रधान मनमाने ढंग से ग्राम सभा में काम कर रहा है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।